नहीं, किसने ये कहा आप मुझे बताइए? बीजेपी के लोग ऐसा कह रहे हैं, रामेश्वर शर्मा है और नरोत्तम मिश्रा ऐसी बातें कहते हैं। नहीं, आप शायद उल्लेख कर रहे हैं विश्वास सारंग जी के बारे में या रामेश्वर शर्मा जी के बारे में। मुझे उनके बारे में थोड़ी चिंता है मुझे, क्योंकि शायद उनके मन में कुछ मानसिक तनाव है, क्योंकि इस प्रकार के बेफजूल बयान अगर वो लोग देंगे तो जो उनकी गंभीरता है वो कम हो जाएगी। मुझे याद है कुछ समय ही पहले विश्वास सारंग साहब जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने बयान दिया कि नेहरू जी के कारण आज महंगाई बढ़ी है। तो मुझे लगा कि नहीं, जरूर मुझे भी इस पर रिसर्च करना चाहिए। तो मैंने पता किया, सन 1947 में पेट्रोल के दाम थे लगभग 70 पैसे, डीजल की रेट थी 22 पैसे। नेहरू जी के बाद लगभग हमारे देश में 14-15 प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी तक। इन 15 प्रधानमंत्रियों का लगभग 67 साल का कार्यकाल रहा। 67 साल में पेट्रोल में वृद्धि हुई 65 रुपए की, 67 साल में। डीजल में वृद्धि हुई लगभग 45-50 रुपए की, लेकिन मोदी जी ने 7 साल में ही डीजल की उतनी ही 50 रुपए की वृद्धि करा दी। कहने का मतलब ये है कि जो काम 15 प्रधानमंत्री, चाहे अटल जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, सब ने मिला के उनके 15 जो प्रधानमंत्री थे उनके 67 साल के कार्यकाल में जितनी वृद्धि हुई पेट्रोल डीजल की, उतनी ही वृद्धि मोदी जी ने 7 साल में करके दिखा दी। और तब भी विश्वास सारंग जी आज भी आरोप लगा रहे हैं नेहरू जी पर। तो इस प्रकार की जो बयानबाजी होती है, आपने सुना होगा रामेश्वर शर्मा जी का बयान कि अगर बाढ़ आई है तो गलती कांग्रेस की है। ये लोग किस प्रकार के कलाकार हैं या किस प्रकार के नेता हैं जो जिनके कभी मुंह से कोई गंभीर बात नहीं निकलती है। कहीं ना कहीं जनता बहुत ही संवेदनशील मुद्दे है। मेरा खुद का ये मानना है कि आज जो बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के सामने हैं वो बेरोजगारी का है, जो कोविड के पहले और दूसरे लहर में जो नुकसान हुआ था उससे जो तबाही मची, क्या आज हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो पर्याप्त है? क्या हर जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गए हैं? क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो अब भी कह रहे हैं कि शायद अक्टूबर महीने तक तीसरी लहर आ सकती है। जो वैक्सीनेशन की रेट है क्या वो पर्याप्त है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मापदंड है उसके अनुसार? या फिर हम बात करें महंगाई की, 7 साल पहले भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इस भाजपा सरकार के 7 साल पूरे हो गए, देश में पेट्रोल में लगभग 50 रुपए की वृद्धि हो चुकी है 7 सालों में, वहीं डीजल के दाम 2 गुने हो गए हैं। आप बात करो जो गरीब बस्ती है उन लोगों से, खाने के तेल के दाम 3 गुने हो गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।